हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम रेनॉल्ट का ईसीएम रीड एंड राइट करेंगे, कॉन्टिनेंटल का ईसीएम को वो कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या इसका सिस्टम रहता है, किस जगह पे जाके आपको वायरिंग करनी है, कौन सी जगह पे जाके आपको रीड करना है, और क्या इसका सिस्टम है, क्या ये क्लोन होएगा या नहीं होएगा। आज हम पूरी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जो भी भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी आप डिसलाइक करें, ठीक है। ये वाला अपना ईसीएम है, रेनॉल्टोलॉजी में ये वाला ईसीएम लगता है, और डस्टर में भी ये वाला ईसीएम लगता है, कॉन्टिनेंटल SID 306, ठीक है। ये वाला ईसीएम है, अभी मुझे ये क्लोन करना है, तो किस जगह पे जाके आपको क्लोन करना है, क्या इसका सिस्टम रहता है, वो सब आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। अभी हम इसमें सारा कुछ कनेक्शन लगा लिए ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो पाए इसकी वजह से। तो हमने केटेक लगा दिया है और इसका केबल भी हमने लगा दिया है। पहले मैं अभी आपको कनेक्शन बता देता हूँ, देख सकते हैं जो ऊपर की जो लाइन है, सबसे पहली जो पिन है वो कैन लो है, उसके नीचे की जो है वो कैन हाई है, उसके बिल्कुल नीचे की कैन हाई है, और दूसरी लाइन में नंबर 2 पिन नंबर जो है वो नेगेटिव है, और सबसे नीचे की जो पिन है, पहली पिन छोड़ के दूसरी पिन पॉजिटिव है, और 2 पिन छोड़ के एक पॉजिटिव है, ठीक है। और इधर एक बूट वायर है, CNF वायर है, अभी मैं आपको केटेक के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं अभी केटेक ओपन कर लेता हूँ, ये अपना केटेक का सॉफ्टवेयर रहता है। केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, पीछे वाला बंद कर देता हूँ। 2.25, ये वाला अपना सॉफ्टवेयर रहता है। तो आप कार में जाएंगे, कार में जाने के बाद रेनॉल्ट्स में जाएंगे, रेनॉल्ट में जाएंगे, रेनॉल्ट में जाने के बाद देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन में जाना पड़ेगा, थर्ड में जाना पड़ेगा, और सीमेंस SID 305, ठीक है, 305 में आपको जाना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपको कनेक्शन कनेक्ट, ये जो ईसीएम का जो कनेक्शन रहता है, इस जगह पे आपको आना रहेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका जो फैमिली नंबर रहता है वो रहता है 205 सीमेंस, ठीक है। इस जगह पे आपको ये जो मार्क बता रहा है, इस जगह पे आपको सॉल्डर करना है। थोड़ा नीचे आएंगे, डायरेक्ट कनेक्शन में जाएंगे, देख सकते हैं जो MCU लगा है, ये MCU है, ये MCU के ऊपर बिल्कुल दूसरा पॉइंट के दूसरा जो पॉइंट रहता है उसके ऊपर आपको लगाना है बूट वायर, और उसके बिल्कुल ऊपर लगाना है CNF, वही आपको सीधा डायरेक्ट लेना है। नीचे से 3वां जो पिन रहता है उसको झम देना है, ठीक है, यानी उसको भी उसको आपस में मिलाना है, मिलाने के बाद इसको CNF लगाना है। अभी मैं आप देख सकते हैं CNF की जो मेरी वायर है वो है ब्लू, और बूट वायर जो है वो है अपनी ग्रे, ठीक है। और आपको कनेक्शन भी मैं दिखा दिया हूँ, 2 पॉजिटिव लगेंगे, एक नेगेटिव लगेगा, कैन लो कैन हाई, ठीक है, ये हमने लगा दिया है। अभी हम करेंगे ओके, अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, 205 फैमिली नंबर है, इसको भी हम करेंगे ओके। अभी हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, अभी मेरे को फुल क्लोन करना है तो मैं फुल बैकअप में जाऊंगा, रीड करूंगा। हाँ, ये वाला ईसीएम जो रहता है ये क्लोन हो जाता है, कोई बिना तकलीफ के ये क्लोन हो जाता है, क्योंकि डेल्फी का जो ईसीएम रहता है उसके अंदर ईप्रोम नहीं आती है, तो हम प्रोग्रामर से करते हैं, वो फ्लैश का डेटा जो रहता है, मैक्रो का जो डेटा रहता है वो तो रीड हो जाता है। Delphi 3.4 की बात कर रहा हूँ, वो भी डस्टर में आता है, वो क्लोन होता नहीं है, तो उसको करने के लिए हम ईप्रोम प्रोग्रामर से करते हैं। ये वाला जो ईसीएम है, ये वाला ईसीएम अपना केटेक से रीड एंड राइट सक्सेसफुल हो जाता है, बिना कोई तकलीफ के आराम से हो जाता है, क्लोन हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।